नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। चीनी दबाव में झुका भारत, डोल्कन ईसा का वीजा रद्द किया। भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता डोल्कन ईसा को दिया गया वीजा संभवतः बीजिंग की आपत्ति के चलते रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने ईसा को दिया गया वीजा रद्द कर दिया है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता ईसा जर्मनी में रहते हैं। उन्हें अमेरिका स्थित इनिशिएटिव्स फॉर चाइना द्वारा आयोजित किए जा रहे सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। भारत के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ईसा ने कहा कि 23 अप्रैल को मुझे भारत की तरफ से अत्यंत लघु नोट मिला कि मेरा वीजा रद्द कर दिया गया है। इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं था। सड़कों पर भीख मांगने से अच्छा है स्टेज पर डांस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुंबई में डांस बार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने से अच्छा है कि महिलाएं स्टेज पर डांस कर अपना जीवन यापन करें। अदालत ने सरकार से कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि डांस नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि वो रेगुलेट कर रही है, लेकिन उसके मन में डांस बार को प्रतिबंधित करना है। रेगुलेशन और प्रतिबंध लगाने में फर्क होता है। कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई कि डांस बार में शराब कैसे न परोसी जाए, ये संभव ही नहीं होगा। बार बिना शराब के कैसे, लोग डांस बार में यहाँ शराब पीने ही जाते हैं। मोदी वैश्विक नेता मगर भारतीयों को उनकी ज्यादा जरूरत, शिवसेना ने कहा। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान की आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री को सूखे से पीड़ित मराठवाड़ा इलाके का दौरा करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। शिवसेना ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री भले ही अब एक विश्व नेता बन गए हों, लेकिन भारत के लोगों को उनकी अधिक जरूरत है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि मोदी विश्व भर में जा रहे हैं, लेकिन इस देश के लोग सूखे से पीड़ित हैं और भूख प्यास से मर रहे हैं। लोगों के मन में यह भावना है कि उन्हें देश में रहना चाहिए और लोगों की चिंता करनी चाहिए। लोकसभा में उठा सवाल, इशरत को पहले आतंकी बाद में शहीद क्यों बताया। लोकसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने सरकार से जानना चाहा कि संपर्क सरकार के दौरान इशरत जहां को पहले आतंकवादी बताए जाने और बाद में शहीद बताए जाने के क्या कारण थे और इस बारे में बनाई गई समिति ने क्या रिपोर्ट दी है। शून्यकाल में भाजपा के किरीट सोमैया ने इस संदर्भ में यह भी सवाल किया कि इशरत को पहले आतंकवादी और बाद में शहीद बताए जाने संबंधी तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम के हलफनामों से संबंधित गायब हुए कागजात के बारे में कोई जानकारी अभी मिल पाई है या नहीं। भारत ने चीन से दूध और कुछ मोबाइल फोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने चीन से दूध और दुग्ध उत्पादों तथा कुछ मोबाइल फोन समेत कुछ उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इन्हें निम्न स्तरीय या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते पाया गया। लोकसभा में भोला सिंह एवं कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में सोमवार को वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनकी गुणवत्ता अस्वीकार्य थी। सीतारमण ने कहा कि कुछ मोबाइल फोन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन उपकरण पहचान संख्या या अन्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं थी, उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।